हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेटर लोड फ्रेंड्स। होप करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो भैया साथ में है, तो आज इतने सालों बाद जा रहे हैं फाइनली। भैया गाड़ी की डिलीवरी एक साल हो गया उसको, स्विफ्ट वाली को भी। स्विफ्ट वाली को एक साल हो गया, एक साल से ऊपर हो गया। तो वाली वीडियो नहीं देखी देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। तो अभी खड़े हैं, केक ले रहे हैं। आपने PTI वाली वीडियो, उससे अगली आएगी तो वो जरूर देखना। तो हम ले रहे हैं ब्रेजा LXi CNG मॉडल, इसका सब कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं। केक मैंने ले लिया, जय माता दी लिखवा दिया। तो जय कारा माँ शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार। तो भाई हम बड़े आम बैठे हैं अभी अपनी गाड़ी में। बड़ी अम्मी और मुसी मेरे साथ हैं, हम जा रहे हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगली गाड़ी बहुत जल्दी, ये वाली थोड़ा टाइम लग गया, अगली गाड़ी बहुत जल्दी आएगी। तो अब चलते हैं सीधा शोरूम पे। आगे भाई वगैरह सब दूसरी गाड़ी में निकल गए हैं, भैया आ रहे हैं पीछे। तो अब चलते हैं सीधा नई गाड़ी लेने। लो जी पहुंच गए शोरूम, आओ मिलवाता हूँ पापा से। हाँ जी पापा जी, पापा जी जय माता दी। जय माता दी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसी फीलिंग है? कुर्ता पजामा पहन के आयो पूरा? बड़ा अच्छा फील हो रहा है, नई गाड़ी ले रहे हैं ब्रेजा। साथ में आया भाई है। भाई कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जय माता दी। जय माता दी। नई गाड़ी आ गई भाई भाई की। कांग्रेचुलेशन आपकी भी है भाई, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू थैंक यू। अब कहाँ चलना है? अब जाम ले जाओ, अब चल। 17,000 की ऑफिस है। आपने कितनी सुनी है? 31 का। हेलो सर, कैसे हो आप? सर जल्दी करवा दिया। थैंक यू। डिलीवरी देनी है आपको, अभी नीचे आना है। बिल्कुल सर। और हमारे अंकल ने बहुत सपोर्ट करा, विपिन अंकल ने। हेलो अंकल, कैसे हो? अंकल के आशीर्वाद से बड़ी जल्दी आ गई गाड़ी। और भी कैसे मिलेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाड़ी देख ली कैसा लग रही है? 6 महीने बाद हमारी गाड़ी आ गई है वेटिंग में। हमने सोचा था कि इसकी पूरी स्टोरी है मैं बताऊंगा। हमने बहुत गाड़ी देखी, पहले आने वाली थी होंडा सिटी, फिर आने वाली थी क्रेटा। क्रेटा भी 1.6 पेट्रोल आने वाली थी, डन हो गया था स्कीम, लेकिन एट एंड मोमेंट पेमेंट भी हो गई थी। फिर एट एंड मोमेंट कैंसिल कराई, तो अच्छी बात है वो कैंसिल हो गई, क्योंकि उसकी माइलेज नहीं है 1.6 पेट्रोल की। डीजल बहुत तगड़ा है, डीजल भागता भी है, लेकिन पेट्रोल 1.6 थोड़ा मुझे लगा था कि 1.6 है भाई, पुराना इंजन है बहुत तगड़ा है, लेकिन नहीं, वो नहीं आ पाई किसी वजह से। तो एट एंड आई है ब्रेजा LXi CNG। CNG इसलिए ली क्योंकि रनिंग ज़्यादा है, लेनी हमें डीजल थी, लेकिन दिल्ली में नॉर्म्स वगैरह के चक्कर में, 10 साल के चक्कर में, तो हमने एट एंड ये पक्का कर दी। अगली गाड़ी जो लेंगे वो तो सरप्राइज है, वो बताऊंगा आपको बहुत जल्दी। वो बहुत ट्यून वाली लेंगे, ट्यून कराएंगे। बट ये गाड़ी जो पसंद है, ये पेट्रोल की पसंद है, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी, पूरा सारा आरएनडी की इस बजट में जो ये बेस्ट गाड़ी है उसके लिए, क्योंकि उसको CNG भी चाहिए थी और गाड़ी भी। और काफी कंपैरिजन किया हमने टाटा में, और हमने पहले लेनी थी वेन्यू कैंसिल कर दी, क्योंकि उसका 1.2 पेट्रोल इंजन है और वो है अंडर पावर्ड। फिर हमने ली सोनेट, क्योंकि भाई बहुत इससे फीचरफुल गाड़ी है और प्रीमियम फील होती है आज भी एनी डे। जो अपनी सोनेट है वो बहुत प्रीमियम है, लेकिन उसमें CNG नहीं आती और उसका टर्बो पेट्रोल में माइलेज नहीं देता, डीजल लेना नहीं था तो पेट्रोल कैंसिल था, तो अब इसलिए हमने ब्रेजा ले ली। तो ब्रेजा भाई कुछ भी कहो, नंबर वन सेलर तो है इस सेगमेंट की, और किंग भी है। तो अभी इसको पूरा तैयार कराते हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी कंपेरिजन अभी LXi में देखना आगे क्या होगा, इसमें ZXi से भी ऊपर होना। अभी अलॉय वगैरह भाई इसमें कंपनी लिमिटेड नहीं लगवा रहे हैं, हम बाहर वाले लगवा रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले ZXi प्लस वाले अच्छे नहीं लगते हमें। वो एसेसरीज पे भी देते हैं ये, लेकिन हम लगवाएंगे वैसे आफ्टर मार्केट फ्लैटी या नियम। भाई खुशी बहुत हो रही है, बहुत वेट के बाद गाड़ी आई है। आज भी हम लेट हो गए, आज भी लेट हो गई, शोरूम मतलब एंड है, सारे मतलब जो स्टाफ है वो जा चुके हैं हमारी डिलीवरी के लिए बच्चे। उसके बाद जिसकी पूजा वगैरह उसका देखते हैं क्या सीन होता है, कब कराएंगे। और अब फटाफट वेट नहीं हो रहा, फटाफट जाके गाड़ी चलानी। मैं तो आज शायद नहीं चला रहा, पापा चलाएंगे, भाई वगैरह चलाएंगे, मैं कल देखता हूँ, कल परसों चलाऊंगा। अभी आज नहीं चलाने हैं, मैंने कहा पापा वगैरह चलाएंगे। भाई क्या कर रहा है? भाई आई नहीं है वो, बैन है सबकी जाती हुई है। चलो अब चलते हैं भाई की फोटो खींचते हैं, भाई नाराज़ हो रहा था, थोड़ी फोटो वगैरह खिंचवा ली है। ठीक है, तो इसकी सारी आपको वो अपने इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, पेट्रोल हेड प्रियांशु नीचे फॉलो कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा। स्नैपचैट भी Priyanshu_Manman। बताओ सबको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब आए हैं भाई हमारी गाड़ी की डिलीवरी पे, सबको थैंक यू। पीछे सब भाई भाई खड़े हैं,
क्या रिपोर्ट है बढ़िया भाई? वैसे ना सच बताऊँ हमारे बड़े पापा कहीं नहीं जाते हैं, ये बड़ी मुश्किल से इस बार हमने, मैंने एक बार पहले बोल दिया था कि भाई गाड़ी लेने आना है, फिर मैंने हाँ क्योंकि हैंड ओवर करना है क्योंकि बड़े पापा सबसे बड़े हमारे घर के, तो एक बार बैठ के बड़े पापा सबसे पहले सेल्फ मारने के अच्छा रहेगा, पापा की भी इच्छा थी कि पापा बड़े पापा आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बड़े पापा आए, थैंक यू जी, थैंक यू। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो और भी बहुत कुछ आना है, नीचे जाने की भी ना गाड़ी में। हाँ जी क्या रिपोर्ट? अच्छा लग रहा है, नई गाड़ी आई है, महादेव सब कुछ ठीक रखे, हर एक सितारे की जय, हर हर महादेव, जय मैया दुर्गा, जय श्री श्याम, हो लगदा तार की जय। आंटी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, मेरे बेटे ने गाड़ी ली है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बधाइयां जी तुहानू सारिआं नूं। कैसा लग रहा है मुझे? बहुत अच्छी लगी गाड़ी में, हम भी बैठ के जाएंगे, बड़ी वाली गाड़ी नहीं है हमारे पास, छोटी गाड़ी थी। सही कह रहे हो, चलो एंजॉय कर रहे हैं सारे, गाड़ी बढ़िया लग रही है। नहीं तो भाई मेरी मम्मी से मेरा बहुत काम आती है वीडियो में, आज स्पेशली वीडियो वो गाड़ी के लिए आई है, थैंक यू। अब चलते हैं पहला ट्रिप पे, लग रहा है और खुशी हमेशा बरकरार रहेगी, और हम हर 5 साल बाद नई गाड़ी खरीदे मेरे बच्चे को। अरे 5 साल आपने ज्यादा बोल दिया, 6 महीने में बदलने की सोच रहा हूँ मैं। जीप लेंगे बड़ी, जीप बड़े में थार लेंगे, चलो आप पहले कपिल भाई लेगा, फिर गिन्नी भैया लेंगे, ठीक है, गिन्नी भैया अभी 1 साल में अभी शिफ्ट लिया, अभी अगली बदल रहे हैं, लग्जरी लेंगे, कौन सी लेगा गाड़ी? चलो टाटा की नेक्सॉन भाई लेगा, टाटा की नेक्सॉन भाई, टाटा लवर है मुझे पता, और वो जल्दी दिन आए, जल्दी दिन आए, उसकी भाई वीडियो लेके आएंगे तो सपोर्ट करना। भाई पहला सेल्फ लगवा रहे हैं बड़े पापा से, चलो बड़े पापा ऑन करो, करो करो क्लच दबाया हुआ है, ओए हो गया ऑन हो गई भाई गाड़ी, पहला सेल्फ बड़े पापा ने मार दिया। तो भाई अभी चाबी मेरे पास है नहीं, आपको ऊपर ऊपर से दिखाया था, ये कुछ स्पीड हुआ है। हाँ भाई गाड़ी का पूरा सीट दिखा दो, का क्या इसमें अंदर दिखा दो। अभी यार ये सब लगवाना है, अभी सीरियो लगा नहीं हुआ, कल लगवाना है, ये एसी है, ये गियर है, देख बता दिया मैंने, अंदर पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है इसकी, नहीं नहीं अंदर नहीं, अभी लगवाएंगे ना, कल पूजा कराने के बाद चलेंगे, ठीक है, अब इसको भी ढंग से मॉडिफाई कराएंगे। चलो भाई बाबा का लग गया, हरे के सारे की जय, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, हरे के सारे की जय, बाबा श्याम हमारा, और अब पीछे लग रहा स्टिकर, जय हो जय हो, चलो एंजॉय करो तुम। लो भाई तो इसके बिना गाड़ी निकलनी नहीं थी, तो गाड़ी यहाँ पे लगेगा स्टिकर मैंने।
नंबर प्लेट आ गई है DL1C। भाई स्पेशली वैष्णो देवी गया था माँ का दरबार लेने नई गाड़ी के लिए, तो माँ का दरबार फाइनली, बड़े दिन से मंदिर में वेट कर रहा था, गाड़ी में विराजमान हो रहा है। चल भाई रखते हैं, तो जय कारामा शेरावाली दा बोल साक्षी दरबार की जय। अभी वहाँ पे रख रहे हैं, अभी इसका जब काम कराएंगे, जब ढंग से माँ को वहाँ पे पेश ऑन कर देंगे ऊपर ही। लो जी DL1C मॉल रोड अथॉरिटी, बहुत मेहनत करी है इसके लिए। DL1C जो जिस एरिया से यहाँ मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से करवाया है किसी दस से, क्योंकि चाहिए, हाँ सही कह रहा है, चाहिए था अपने को यही अपना DL1C चाहिए था। और क्योंकि ऊपर यार वो लगा रखे है ना, देख मिठाई मिठाई वो पूजा करते हैं यार मिठाई। चाबी हैंड ओवर कर दिया है बड़े पापा को, अपनी लेजेंडरी गाड़ी है, इसका कोई तोड़ नहीं है।